कश्मीर फाइल्स का चर्चा हर तरफ शुरू हो चुका है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई की ही है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के दिल में भी इस फिल्म ने बहुत ही ज्यादा जगह बना ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को शूट करने में कितना ज्यादा रुपया खर्च हुआ है और कितना इस फिल्म ने कमाया है? डेफिनेटली चलिए आपको बताते हैं क्या इस फिल्म का बजट है और कितना इस फिल्म ने पर एक्टर को चार्ज किया है। आप सभी को बता दूं कि सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स के चर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ऐसे में इस फिल्म ने 250 करोड़ तक का ओवरऑल बजट जो है वो क्रॉस कर दिया है। जी हां, महज 8 से 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 250 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस फिल्म के सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर अनुपम खेर की अगर बात की जाए तो इस फिल्म को करने के लिए अनुपम खेर ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दूं दर्शन कुमार इस फिल्म से जुड़े और दर्शन कुमार ने इस फिल्म के लिए 45 लाख रुपीज चार्ज किए हैं। तीसरे अदाकार जो इस फिल्म से जुड़े थे वो है मिथुन चक्रवर्ती। आपको बता दूं कि मिथुन ने इस फिल्म को करने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की भारी अमाउंट जो है वो चार्ज की है। उसी के साथ साथ अगली जो एक्टर है वो है मृणाल कुलकर्णी। जी हाँ, उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए की मोटी रकम जो है वो गैदर की। वहीं पल्लवी जोशी की अगर बात की जाए तो पल्लवी जोशी जो है उन्होंने 50 से 70 लाख रुपए गैदर किए इस फिल्म के लिए। अगले इस लिस्ट में आते हैं पुनीत सर, जिन्होंने तकरीबन 50 लाख रुपए की मोटी रकम ली। वहीं बात विवेक अग्निहोत्री की अगर करी जाए तो विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की भारी रकम जो है वो प्रोड्यूसर से चार्ज करी। तो देखा आपने, इस फिल्म का बजट भले ही काफी कम था लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बहुत ही ज्यादा मैसिव स्केल पर बनी है और उसी के साथ साथ कंटेंट वाइज इस फिल्म ने जनता को झंझोड़ कर रख दिया है। वेल, आपको इस बारे में क्या है कहना बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस फिल्म के रिलीज होने से महीने पहले। हमने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज किए और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच ना लें ऐसा, तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं, ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके जरिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोग समझ में आ रही है, इसका अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है, उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएं।